वेल हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस मैं फिर से हाजिर हूँ आप सबके लिए फिर से पोकेमोन फैक्ट की एक और न्यू वीडियो को लेकर। और गाइस आज की वीडियो में हम लोग कमाल के फैक्ट्स के बारे में जानने वाले। तो यस, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हाँ, ये फैक्ट सुनने के बाद आप लोगों के मुँह से बस एक ही वर्ड निकलेगा, वाओ। तो यस, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। और वीडियो अगर ज़रा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जाओ जाके फॉलो कर लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 20। अब गाइज हुआ कुछ ऐसा था कि पोकेमोन के जो हेड राइटर थे ताकेशी शुडो, वो एक बार कार को लेकर कार से कहीं जा रहे होते, तभी रास्ते पर एक ट्रैफिक पुलिस उन्हें रोक लेते हैं और उनसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं। पर तब ताकेशी शुडो के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता, तो तब पुलिस ऑफिसर पूछते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या करते हैं। तभी ताकेशी शुडो ने कहा कि मैं पोकेमोन का हेड राइटर हूँ। और ये सुनने के बाद वो पुलिस ऑफिसर काफ़ी खुश हो गया, क्योंकि उसका जो बच्चा था वो भी पोकेमोन का बहुत ही बड़ा फैन था और वो बचपन से ही पोकेमोन को देख रहा था। तो ये सुनकर उससे ज़्यादा काफ़ी खुशी हुई और उसने ताकेशी शुडो को ऐसे ही जाने दिया। और इसके बाद ताकेशी शुडो को पता चला कि पोकेमोन कितना ज़्यादा फेमस हो चुका है। फैक्ट नंबर 90। अब गाइज क्या आप लोगों को पता है कि जो ताकेशी शुडो है पोकेमोन के राइटर, वो पहले पोकेमोन की मूवी द अननोन का तहलका, वो जो मूवी है उसमें टिरानोसॉरस के रिलेटेड उस मूवी में कुछ करने वाले थे या कुछ ऐसा करने वाले थे जो कि रिलेटेड था टिरानोसॉरस को लेकर, पर बाद में जाकर इस प्लान को ड्रॉप कर दिया गया। फैक्ट नंबर 18। अब गाइज कभी ना कभी तो आपने पोकेमोन गेम खेला होगा, और जब भी आप किसी भी पोकेमोन को बैटल में उतारते हैं तब एक आवाज़ होती है जो कि आपने नोटिस किया होगा। पर क्या आपको पता है कि जो वो आवाज़ है वो एक्चुअल में पोकेमोन के क्राई की आवाज़ है, यानी कि क्राई यानी कि उसके रोने की आवाज़ है। पर क्या आपको पता है कि अब तक जितने भी पोकेमोन के जो क्राई की आवाज़ रिकॉर्ड हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा बड़ा क्राई किसका है, वो है जिंक्स का जो कि है 2 सेकेंड, और सबसे छोटा है पिजी का। फैक्ट नंबर 17। अब गाइज ये तो हम सभी को पता है कि जो ऐश का बर्थडे है वो आता है 22 मई को, और हम सभी ऐश के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। पर गाइज क्या आप लोगों को पता है कि जो एशली है यानी कि ऐश का फीमेल वर्जन, उसका भी बर्थडे पोकेमोन फैंस मनाते हैं, और वो डेट है 13 मार्च को। इसी डेट पर एशली पहली बार हमें पोकेमोन के एनिमे में देखने को मिली थी, और इसी डेट को एशली का बर्थडे फैंस मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। फैक्ट नंबर 16। अब गाइज क्या आप लोगों को पता है कि ओरिजिनली एक्चुअल में जो साइडक है वो ब्रॉक को मिलने वाला था, क्योंकि आपको एपिसोड में याद होगा कि जो नर्स जो है वो साइडक को ब्रॉक को दे देती है, पर ब्रॉक साइडक को लेने से मना कर देता है और ऐश को दे देता है, और ऐश भी साइडक को लेने से मना कर देता है, और बाद में वो मिस्टी को दे देता है और मिस्टी भी मना कर देती है, बट गलती से मिस्टी का जो पोकेबॉल है वो गिर जाता है और साइडक उसके अंदर आ जाता है। और एक तरह से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो साइडक मिस्टी के पास आया ये मिस्टी के लिए काफ़ी लकी साबित हुआ। क्या साइडक मिस्टी के लिए लकी है या फिर अनलकी, आप लोगों को क्या लगता है। फैक्ट नंबर 15। अब गाइज ये तो हम सभी को पता ही कि जो पोकेमोन का फर्स्ट एपिसोड था वो था पोकेमोन आई चूज यू, जो कि हमें इंडिया में जापान में और ऑल ओवर वर्ल्ड में दिखाया गया। पर गाइज क्या आपको पता है कि यूएसए में ये पोकेमोन का पहला एपिसोड नहीं था। पोकेमोन का पहला एपिसोड यूएसए में जो टेलीकास्ट हुआ वो था शिप रेक, जो कि था आप लोगों को याद ही होगा पोकेमोन एपिसोड, जिसमें कि हमें काफ़ी सारे शिप्स दिखाए जाते हैं और काफ़ी सारे ट्रेनर्स भी दिखाए जाते हैं। यही यूएसए में पोकेमोन का पहला फर्स्ट एपिसोड था जो कि टेलीकास्ट किया गया था। फैक्ट नंबर 14। गाइज क्या आप लोगों को पता है कि पोकेमोन सन एंड मून यानी कि पोकेमोन अलोलन रीजन एक लौतिया सी रीजन है, जिसमें कि हमें कोई भी फॉसिल पोकेमोन दिखाया नहीं गया। इसके अलावा जितने भी रीजन आए हैं, चाहे वो कैंटो हो या हो पोकेमोन गैलर रीजन, इन सभी रीजन में हमें कोई ना कोई फॉसिल पोकेमोन दिखाया गया, पर इनमें से अलोलन रीजन एक लौता ऐसा रीजन है जिसमें कि हमें कोई भी फॉसिल पोकेमोन देखने को नहीं मिला। अब उसका रीजन ये है कि जो सन एंड मून यानी कि अलोलन रीजन है वो कुछ ही मिलियन साल पहले क्रिएट हुआ है, और जो बाकी के रीजन है वो काफ़ी मिलियन साल पहले ही बन चुके थे, और इसलिए हमें वहाँ पर फॉसिल पोकेमोन देखने को मिले हैं।
फैक्ट नंबर 13। अब गाइज ये तो सभी को पता है कि जो स्लोब्रो है वो इकलौता ऐसा पोकेमोन है जो कि डी इवॉल्व हो सकता है, पर गाइज ये बात सच नहीं है। क्या आप लोगों को पता है कि इसके अलावा एक और पोकेमोन है जो कि डी इवॉल्व हो सकता है, वो है मेलमेटल। जी हाँ गाइज, ये पोकेडेक्स एंट्री में बताया गया है कि जब मेलमेटल की टाइम खत्म हो जाती है, मतलब उसकी जो लाइफ टाइम है वो खत्म हो जाती है, तब उसका जो मेटल है वो धीरे धीरे जंग लगने लगता है और धीरे धीरे वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है और टूट जाता है और वही टुकड़े वापस से जुड़कर एक मेल्टन होते हैं। तो एक तरह से ये भी एक डी इवॉल्व कह सकते हैं। क्या ये फैक्ट आप लोगों को पहले से पता था? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 12। गाइज क्या आप लोगों को पता है कि वोल्केनो जो पोकेमोन है यूनोवा रीजन में हमें दिखाया गया, वो एक लौता ऐसा पोकेमोन है जो कि अपने 10 लेवल पर कोई ना कोई एक न्यू अटैक सीखता है। मतलब जब भी वो 10 लेवल अप होता है तब वो कोई न्यू अटैक लर्न कर सकता है। वाओ, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट था ना। फैक्ट नंबर 11। गाइज क्या आप लोगों को पता है कि जो हेक्सोरस है वो एक लौता ऐसा ड्रैगन टाइप पोकेमोन है जो कि फुल्ली इवॉल्व होने के बाद भी प्योर ड्रैगन टाइप होते हैं, और हेक्सोरस के अलावा जितने भी ड्रैगन पोकेमोन है वो फुल्ली इवॉल्व होने के बाद एक सेकेंड टाइप में इवॉल्व हो जाते हैं। मतलब एक सेकेंड टाइप उनके पास होता ही है, पर उनमें से हेक्सोरस एक लौता ऐसा पोकेमोन है जो कि फुल्ली इवॉल्व होने के बाद भी प्योर ड्रैगन टाइप होता है। फैक्ट नंबर 10। गाइज क्या आप लोगों को पता है कि पोकेमोन की मूवी म्यूटू स्ट्राइक बैक फिल्म रिलीज होने के बाद पोकेमोन कंपनी ने यह सोचा कि जो म्यूटू है वो पोकेमोन के एनिमे में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन बनाया जाएगा। पर बाद में हालांकि जब पोकेमोन आगे बढ़ा और भी कई सारे न्यू पोकेमोन आए, हो लुगिया, पालकिया, आरसीएस, तो गाइज इसको लेकर अभी भी डेबिट है कि कौन सा पोकेमोन पोकेमोन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है। आपके हिसाब से पोकेमोन वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पोकेमोन कौन सा है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 9। गाइज क्या आप लोगों को पता है कि जोटो रीजन के बाद ताकेशीसुडो को एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेना था, या तो वो ऐश के साथ मिस्टी या ब्रॉक को रख सकते थे या फिर तीन रॉकेट के जैसी जेम्स या म्याउथ को, और ये दोनों में से किसी एक को ही ताकेशीसुडो पोकेमोन के एनिमे में रख सकते थे। हालांकि बाद में हम सभी को पता है कि क्या हुआ, मिस्टी और ब्रॉक चले गए और जो तीन रॉकेट हो वैसे के वैसे ही रहे। अब तीन रॉकेट को रखने का रीज़न क्या था? अब क्योंकि तीन रॉकेट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे और काफ़ी फैंस चाहते थे कि तीन रॉकेट रहे, क्योंकि उन्हें तीन रॉकेट को देखना पसंद था, और जो ब्रॉक और मिस्टी है वो अगर अलग हो भी जाते तो भी शायद ऐश के जर्नी पर उतना ज़्यादा असर नहीं होता, पर अगर तीन रॉकेट चले जाते तो शायद ये पोकेमोन के एनिमे के ऊपर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हो सकता था। फैक्ट नंबर 8। गाइस क्या आप लोगों को पता है कि पूरे वर्ल्ड में पोकेमोन को टेलीकास्ट किया जाता है और अलग अलग लैंग्वेज में भी इसे डब किया जाता है, पर गाइस क्या आप लोगों को पता है कि जो ऐश की वॉइस है वो ऑलमोस्ट मतलब हर जगह ज़्यादातर फीमेल्स की वॉइस होती है, मतलब फीमेल्स एक्टर्स ही उन्हें वॉइस करती है, ऐश को वॉइस देती है। तो इंडिया उन कुछ लौते कंट्रीज में से एक है जहाँ पर ऐश को कोई मेल वॉइस एक्टर अपनी आवाज़ यानी कि डबिंग करता है, जो कि ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा नचिकेत दिघे सर बहुत ही अच्छे वॉइस करते हैं, एंड हैंड्स ऑफ यू सर। फैक्ट नंबर 7। गाइज क्या आप लोगों को पता है कि पोकेमोन के वर्ल्ड में पोकेमोन की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक बहुत ही बेकार और घटिया सा रूल बनाया है जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी जिम लीडर लगातार तीन चैलेंजर्स से लगातार तीन बार बैटल में हार गया तो उन्हें जिम लीडर की जो पोजीशन है उसे रिज़ाइन करना होगा, उससे हटा दिया जाएगा। और इसी डर की वजह से कि जिम लीडर्स के पोजीशन से ना हटे, इसलिए कभी कभी जिम लीडर्स मैच के दौरान जब हारने लगते हैं तब वो ट्रेनर्स को पैसे दे देते हैं ताकि वो मैच को जीत जाए। फैक्ट नंबर 6। अब गाइज पोकेमोन के फर्स्ट एपिसोड में आपने ये अलार्म क्लॉक तो ऐश के घर में यानी कि ऐश के रूम में देखा ही होगा, पर क्या आपको पता है कि ये कोई ऐसा वैसा अलार्म क्लॉक नहीं है। इस अलार्म क्लॉक को ऐश की मॉम ने ऐश के 10th बर्थडे पर गिफ्ट दिया था। और गाइज क्या आप लोगों को पता है कि जब ऐश पोकेमोन पकड़ने के बाद एक सिग्नेचर मूव देता है वो भी ऐश ने जर्नीस पे जाने से पहले 10 दिन पहले ही इसे बनाया था। फैक्ट नंबर 5। गाइज क्या आप लोगों को पता है कि पोकेमोन के जो साउंड डायरेक्टर है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि यूनोवा रीजन और जो सन एंड मून है अलोरा रीजन और जो पोकेमोन जर्नीज हैं वो पोकेमोन के ओरिजिनल टाइमलाइन से नहीं है, वो एक अलग ही टाइमलाइन में है, और कालोस के बाद ऐश सन एंड मून में गया ही नहीं, और जो सन एंड मून है अलोरा है और जो यूनोवा है और जो
अभी है पोकेमोन जर्नीज, वो एक अलग ही टाइमलाइन पर चल रही है। अब इसी टाइमलाइन में ऐश के कंपेनियन, पुराने पोकेमोन्स, पुराने ओपोनेंट्स, पुराने फ्रेंड्स कैसे आ रहे हैं गाइज हमें नहीं पता, और शायद इसका जवाब से पोकेमोन की कंपनी ही हमें दे सकती है। फैक्ट नंबर 4 गाइज, क्या आप लोगों को पता है कि पोकेमोन के वर्ल्ड के हर एक स्टार्टर पोकेमोन को ऐश ने या ऐश के किसी न किसी कंपेनियन या फ्रेंड्स ने कभी ना कभी कैच किया है या आउन किया है। जैसे कि ऐश के पास बल्बसॉर, चार्मेंडर, स्क्वर्टल था, जोटो में चिकोरिटा, सिंटीक्विल, टोटोडाइल था, होएन में ऐश के पास ट्रिको था, मे के पास टॉचिक था, ब्रॉक के पास मडकिप था, वैसे ही सिनो रीजन में ऐश के पास था टटविक, चिनचार और डॉन के पास था पिपलब, वैसे ही यूनोवा रीजन में ऐश के पास स्नाइवी, टटविक और अश्वत था, और वैसे ही कालोस रीजन में ऐश के पास फ्रॉकी था, क्लेमेंट के पास जैस्मिन था और सरीना के पास था फेनिकिन। फैक्ट नंबर 3 गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि पोकेमोन के एनिमे में स्लोपोक एक लौता ऐसा पोकेमोन है जिसने अभी तक कोई भी मूव पोकेमोन के एनिमे में परफॉर्मेंस नहीं किया या पोकेमोन की मूव को इस्तेमाल नहीं किया। फैक्ट नंबर 2, अब गाइस कभी ना कभी तो आपने ऐश के चेहरे पर यह सिंबल देखा होगा और सोचा होगा कि इस सिंबल का क्या मतलब है आखिर। तो गाइस इसका ये मतलब है कि इसका मतलब है ऐश के पास जो पहला पोकेमोन है वो था पिकाचू, जो कि एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन था, और उसी पोकेमोन को सिंबल करने के लिए। फैक्ट नंबर 1 गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि ऐश के पास अभी तक जितने भी पोकेमोन है या ऐश ने जितने भी पोकेमोन को कैच किया है उनमें से ऐश का सबसे हल्का पोकेमोन कौन है? तो वो है राउलेट, और जो सबसे भारी पोकेमोन है वो है स्नोलैक। तो हे गाइस, ये थे टॉप 20 पोकेमोन के फैक्ट्स। होप करता आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे को ऑल पे सेट कर दीजिए फ्यूचर में ऐसी पोकेमोन की वीडियोस को देखने के लिए। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट एंड एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।